सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी निशु खान। और आज की वीडियो बाय फार द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, बिकॉज हर एक लड़की मुझसे पूछती है कि हमारी स्किन टोन के साथ कौन सी फाउंडेशन मैच करती है, काइंडली हमें थोड़ा गाइड कर दें। तो आज की वीडियो है उन लड़कियों के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि आपकी स्किन टोन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इवन जो फाउंडेशन है वो उसको अपने साथ कैसे मैच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टॉप टॉकिंग एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टिप वन, टाइप ऑफ फाउंडेशंस। तो मैं आपको बता दूं, फोर टाइप्स ऑफ फाउंडेशन होती है। एक है लिक्विड फाउंडेशन, देन क्रीम फाउंडेशन, स्टिक फाउंडेशन एंड लास्ट पाउडर फाउंडेशन। देन हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं और कौन सी स्किन टाइप्स के लिए कौन सी फाउंडेशन अच्छी है। लिक्विड फाउंडेशन, एक्चुअली लिक्विड फाउंडेशन जो होती है वो रनी होती है, यानी उसकी कंसिस्टेंसी रनी होती है। एक्चुअली वो फुल कवरेज में भी आती है और लाइट टू मीडियम कवरेज में भी आती है, और डिपेंड करता है ब्रांड पे, यानी वो कौन सा ब्रांड है और किस तरह का फॉर्मूला आपको सेल कर रहा है। तो लिक्विड फाउंडेशन एक्चुअली ड्राई स्किन के लिए बहुत ही सूटेबल है। इवन सारी गर्ल्स उसे यूज़ कर सकती हैं। ऑयली, कम्बिनेशन, सेंसिटिव, हर एक स्किन टाइप जो है वो फाउंडेशन यूज़ कर सकता है। पाकिस्तान में जो फाउंडेशन अवेलेबल है यानी लिक्विड फाउंडेशन, वो हैं मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, जे डॉट ल्यूमिनस मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशन, रिवाज यूके लास्टिंग फिनिश फाउंडेशन, एमएम सिल्क फाउंडेशन। तो सेकेंड आते हैं फाउंडेशन की टाइप है क्रीम फाउंडेशन। एक्चुअली क्रीम फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होती है एज कम्पेयर टू द लिक्विड फाउंडेशन। क्रीम फाउंडेशन जो है वो यानी ब्लेंडेबिलिटी उसकी थोड़ी सी हार्ड होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड फाउंडेशन, लेकिन होती है वो मॉइस्चराइजिंग, ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। इवन बाकी स्किन टोन्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें सेटिंग और प्राइमर, इन सारी चीज़ों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना होगा। तो जो क्रीम फाउंडेशन पाकिस्तान में अवेलेबल है वो है डर्मकोल मेबलिन मूज फाउंडेशन, बिक्यूड मूज फाउंडेशन, स्टेज लाइन मैट मूज फाउंडेशन। फिर आते हैं स्टिक फाउंडेशन की तरफ। एक्चुअली स्टिक फाउंडेशन जो है वो एक हाई क्वालिटी फाउंडेशन है जो कि मीडिया, टेलीविजन और ऐसी जगहों पे ज़्यादा यूज़ होती हैं, सैलून में ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि स्टिक फाउंडेशन फुल कवरेज फाउंडेशन होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। स्टिक फाउंडेशन जो है एक्चुअली द बेस्ट है ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए। फाउंडेशन जो कि अवेलेबल है यहाँ पे, शीस कैमरा स्टिक, एबलिन शाइन फ्री स्टिक, रेयलॉन टीवी पेंट स्टिक, स्टीन स्टिक फाउंडेशन। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट आते हैं पाउडर फाउंडेशन की तरफ। एक्चुअली पाउडर फाउंडेशन क्या होता है? पाउडर फाउंडेशन जो है वो एक्चुअली पाउडर फॉर्म में होता है, यानी ऑयली स्किन गर्ल्स, इवन ऑल स्किन टाइप्स जो हैं वो उसे यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपने लिक्विड फाउंडेशन लगाई है, स्टिक फाउंडेशन लगाई है या क्रीम फाउंडेशन लगाई है, उसको सेट करने के लिए आप ऊपर पाउडर फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी उसे सेट करने के लिए। तो पाउडर फाउंडेशन एज अ पाउडर यूज़ कर सकते हैं, एज अ फाउंडेशन, यानी टू इन वन होती है, जैसे आपकी मर्जी उससे यूज़ कर सकते हैं आप लोग। मेबलिन मिनरल पाउडर, लशियस ड्राई एंड वेट पाउडर, रेवलॉन कलर स्टे एक्वा मिनरल मेकअप। फिर आते हैं अंडरटोन्स की तरफ। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका अंडरटोन क्या है, कूल, वार्म और न्यूट्रल। तो इसको आप कैसे पता कर सकते हैं? अगर आप अपनी वेन्स देखेंगे, अगर यहाँ पे आपको पता नहीं लग रहा तो यहाँ एल्बो की वेन्स जो है उसको चेक करके देखेंगे कि आपकी वेन्स किस कलर में है। अगर आपकी वेन्स हैं पर्पलिश डार्क ब्लू कलर की तो आप हो कूल अंडरटोन, लेकिन अगर आपकी वेन्स जो हैं वो ग्रीनिश कलर की हैं तो आप हो वार्म अंडरटोन। लेकिन अगर आप मिक्स हो दोनों का, यानी आपके वेन्स ग्रीन भी हैं, ब्लू भी हैं, पर्पलिश भी हैं, तो तब आप हैं न्यूट्रल अंडरटोन। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा लो। अगर आप कैरी कर सकते हो ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी तो आप हो वार्म अंडरटोन, लेकिन अगर आप कैरी कर सकते हो सिल्वर ज्वेलरी तो आप हो कूल अंडरटोन, लेकिन अगर आप दोनों कैरी कर सकते हो तो आप हो बोथ, यानी न्यूट्रल अंडरटोन। तो फिर आते हैं हम फाउंडेशन में, यानी अंडरटोन
देखकर फाउंडेशन कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी हमें अपना अंडरटोन तो मालूम हो गया लेकिन फाउंडेशन का अंडरटोन किस तरह से हम मालूम करेंगे। तो आप फाउंडेशन पिक करेंगे जो भी आपने लेनी है और उसे डेलाइट में आप गौर से देखेंगे। अगर उसमें पिंकिश ह्यू है, यानी रेडिश पिंकिश लग रही है, तो वो है कूल अंडरटोन। लेकिन अगर फाउंडेशन है येलो ऑरेंज ऑलिव कलर में, तो वो है वार्म अंडरटोन में, यानी वो फाउंडेशन है वार्म अंडरटोन। फिर आते हैं न्यूट्रल, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है तो वो कहलाएगा न्यूट्रल। यानी अगर उसमें येलो भी है, वार्म भी है, यानी अगर आपको समझ नहीं आ रही कि वो फाउंडेशन क्या है, तो वो है न्यूट्रल फाउंडेशन। तो एक टिप ये है कि आप नेचुरल लाइटिंग में खड़े होकर अपने आप को देखेंगे। अगर आप येलो दिख रही हैं तो आपका है टोन, यानी स्किन टोन जो है, आपको जो फाउंडेशन सूट करेगी वो है वार्म अंडरटोन। यानी अगर आप ऑरेंज येलो लग रही हैं, तो अगर आप पिंकिश लग रही हैं, ब्लूइश पिंकिश लग रही हैं डे लाइट में, तो आपका कूल टोन है फाउंडेशन में। अगर आप बोथ है, यानी बेज टोन है आपका, तो एक्चुअली आप हो न्यूट्रल। सबसे पहले हम इसी से अंदाज़ा लगाएंगे, जो कि ज़्यादा फेयर होते हैं वो होते हैं कूल टोन, जो कि मीडियम होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल, और जो कि थोड़ा सा रिच टोन होते हैं वो होते हैं वार्म टोन। लेट मी टेल यू वन थिंग गर्ल्स, के कभी भी शॉप की येलो लाइट में आपने फाउंडेशन नहीं सिलेक्ट करनी, क्योंकि उसमें फाउंडेशन बिल्कुल ठीक से नहीं नज़र आती। आपने सिंपली डे लाइट में अपनी फाउंडेशन सिलेक्ट करनी है। और द बिगेस्ट मिस्टेक कि अपने हैंड्स पे स्वॉच नहीं करना, आपने फाउंडेशन को अपने फेस पे लगा के नेक तक ड्रैग करना है। जब नेक पे वो फाउंडेशन जो है वो गायब हो जाएगी, तो वही आपके फाउंडेशन का कलर है। तो इस तरह से आपने फाउंडेशन को सिलेक्ट करना है। इवन शॉप्स में काफ़ी सारे टेस्टर्स होते हैं, आप वो बाकायदा अप्लाई करके जो हैं वो देखें और अपना फाउंडेशन ठीक से मैच करें। तो मैं कुछ टिप्स आपको साथ साथ देती जाऊंगी। फाउंडेशन जो है हमेशा टू लेयर्स से ज़्यादा अप्लाई मत करें, क्योंकि वो बहुत केकी और ओवर लगता है। दूसरी टिप ये है कि फाउंडेशन हमेशा मेकअप रिमूवर से ही रिमूव करनी चाहिए रात को, यानी रात को सोक लगाए हुए सोइए मत, क्योंकि स्किन बहुत इससे ख़राब होती है। आपके पोर्स जो होते हैं वो क्लॉग होते हैं, जिससे पिंपल्स और एक्नी होने का इशू होता है। तो आप मेकअप रिमूव करके ही हमेशा सोएं। फिर दूसरा, फाउंडेशन याद रखें, उसकी एक्सपायरी डेट याद रखें कि कब वो फाउंडेशन एक्सपायर होनी है। तो तब तक ही आप फाउंडेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हो, वरना जो है फाउंडेशन जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होगी। फाउंडेशन की एक्सपायरी डेट आप कैसे पता कर सकते हो, तो वो है यहाँ पे लिखी होती है, ये है 18 मंथ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो काइंडली गिव इट अ लाइक, गर्ल्स मीन्स अ लॉट, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।